तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं टेम्पलेट। क्या आखिर टेम्पलेट होता क्या है? देखिए टेम्पलेट, जैसे कि आप फाइल पे जाते हैं, फाइल मेनू बार में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल जाता है, आप यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रूटीन मेंटेन करना है, एक वीकली शेड्यूल बनाना प्लान करना है, तो यहाँ देखिए वीकली शेड्यूल प्लानर है, या फिर आप यहाँ पे प्लानर सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लानर के जो रिलेटेड फॉर्मेटेड है वो आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इवेंट प्लानर इन टाइमलाइन क्लिक कीजिए, ये बना बनाया फॉर्मेट होता है, जैसे आपको इस्तेमाल करना होगा, इसका यूज कर सकते हैं। चलो इसका यूज आपको नहीं हुआ तो आप जो है खुद का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब खुद का टेम्पलेट क्यों क्रिएट करें? अब ऑफिस में जो हम रिपोर्ट बनाते हैं वो क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए हम पहले पिछली रिपोर्ट को हम ओपन करते हैं। कोई भी रिपोर्ट अगर हमें बनानी है तो पिछली रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे कि एचआर डैशबोर्ड है, अभी ये सामने खुल रहा है आपको, अब मुझे रिपोर्ट दोबारा बनानी है तो हमें क्या होगा कि हम इसको सेव एज करेंगे, डेटा नया डालेंगे और जो पहले से बना हुआ डाटा है उसको हम चेंज करके खुद का नया डाटा डालते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा रिपोर्ट एवरी टाइम ब्लैंक आए, तो चलिए छोटा सा हम यहाँ रिपोर्ट बनाते हैं। 1 मिनट, बंद हो गया, हैंग हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। तो एक अपना छोटा सा रिपोर्ट यहां बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटे से एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेली सेल्स रिपोर्ट। अब इसको बड़ा करने के लिए यहां से सिलेक्ट करके इसको बड़ा करता हूँ, इसको हमने बड़ा कर ली डेली सेल्स रिपोर्ट, अंडरलाइन यहां से हम कर सकते हैं। और यहां हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लोक यहाँ पे हम डेट डालते हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ पे हम लोकेशन डालते हैं और डेट के लिए अंडरलाइन हो इसके लिए सिलेक्ट करके अंडरलाइन वाली फॉन्ट को यूज करते हैं, यहाँ भी अंडरलाइन वाले फॉन्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर देते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शंस, नोट करना जल्दी कौन है, और यहां पे डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस, और एरिया को हम एक देते हैं और यहां से बॉर्डर लाइन लगा देते हैं, और टोटल भी करना है हमें तो यहाँ हम टोटल लिखते हैं। यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा के ऊपर के एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इसी सम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट यहाँ कर देते हैं, और बैलेंस के लिए भी हम क्रेडिट माइनस डेबिट कर देते हैं, और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ इसकी डबल लाइनिंग कर देता हूँ, टोटल की जो लाइनिंग जिसको बोलते हैं, ये हमारा टोटल की लाइनिंग होगी। उसके बाद यहां मैं देता हूं चेक बाय, और यहां पे हम देते हैं ऑथराइज बाय, सेलेक्ट करते हैं, यहां से हम ये जो बॉटम लाइन है यहां से हम बॉटम लाइन देते हैं, जरा बॉटम बॉर्डर, और यहां ये बॉटम बॉर्डर, और फिर इसको हम यहाँ एक बार इसको यहाँ पे प्रिंट पे जाके देख सकते हैं, इसका प्रिंट व्यू, प्रिंट का व्यू, अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं, इसकी गियर लाइन को अनचेक कर देते हैं, तो ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया।
तो शिवम जी मुझे हर दिन क्या करना होता है, इसी फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 यहाँ पूरा टाइप करना होता है और डेटा भेजना होता है। फिर अगले दिन क्या करता हूँ, कल वाली रिपोर्ट को जो भेजा था उसको ओपन करता हूँ, डेटा सारा डिलीट करता हूँ, डेटा सारा डिलीट करता हूँ और फिर वापस जो है मैं यहाँ पे नीचे सारा डिटेल डालता हूँ। ठीक है सर, जी अब ये मैं चाहता हूं कि मुझे हमेशा एक ब्लैंक ही दिखे। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, वो है उस राउटर से, दूसरे राउटर से हुए हैं। ठीक है, 10 मिनट दे दीजिए, मैं कर देता हूँ 10 मिनट। सॉरी सर, तो इसको क्या करेंगे, यहां से हम सेव एज करेंगे। ठीक है शिवम जी, जी सेव एज करते समय यहाँ जो अवेलेबल माइक, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्सेल माइक पर अवेलेबल वर्कबुक, या फिर एक्सेल वर्कबुक जो आपका फॉर्मेट आता है ना, ये टाइप आता है, उसमें से मुझे यहाँ जस्ट एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, एक्सेल टेम्पलेट, राइट सर। और यहाँ लोकेशन चूज कर लीजिए, और यहाँ पे जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कैश, क्योंकि ये कैश का डेटा है, रिपोर्ट है, तो कैश कर लिया। और मैंने यहाँ पे जस्ट कर दिया सेव, सेव कर दिया। अब मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं। अब देखेंगे डेस्कटॉप पे कैश नाम का एक फाइल जनरेट हुआ है। अब यहां देखिए इसकी आइकन अलग है, अलग आइकन है ना सर, क्योंकि नॉर्मल जी एक्सेल की आइकन इस तरह से होती है, ये टेम्पलेट इसकी आइकन इस तरह से। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे आप नई एक्सेल ओपन करते हैं तो बुक वन होता है, इसको ओपन करूंगा तो वो होगा कैश वन, कैश वन। देखिए दिख रहा है सर, कैश वन। ठीक है, ऐसे अब दोबारा ओपन करूंगा तो कैश टू हो जाएगा, कैश थ्री, कैश फोर, कैश फाइव। ऐसे एक बार ओपन है, फिर एक बार मैं और ओपन कर दूं तो फिर दोबारा उसी की कॉपी ओपन हो जाएगी। जनरली फाइल तो दोबारा ओपन नहीं होती ना सर। अब देखिए यहाँ पे कैश वन है और यहाँ पे कैश टू है, कैश वन एंड कैश टू। ठीक है, जी सर। तो इस तरह से हमेशा आपको ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि आप जो भी डेटा डालेंगे तो वो अलग फाइल बन के डलेगी और आपको हमेशा ब्लैंक फाइल मिलेगा। तो इसका यूज आप लोग रिपोर्ट्स वगैरह बनाने वाले फाइलों पे कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ जी सर। में आया, कोई डाउट इसमें? नहीं चलिए अब हम बात करते हैं होम मेनू बार। होम मेनू बार, तो होम मेनू बार में हम बात करेंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेटा हम बना देते हैं, नेम, सिटी, अमाउंट। यहां पे हम देते हैं पूजा या जो भी चीजें हैं यहां डाल देते सिटी में, हम यहां पे पुणे कर देते हैं और यहां हम अमाउंट डाल देते। और इसकी कलर भी कर देते हैं। अब यहां आपने देखा मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है। रैंड बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है, रैंडम डेटा लेने के लिए आप यहाँ पे रैंड बिटवीन लिखते हैं और आप बॉटम की भाई 10 से मुझे 90 के बीच में चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 90 आप कुछ भी लिख सकते हैं, 100 से 900, 1000 से 9000, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बीच के हमेशा वैल्यू देगा और एवरी बार ये आपका चेंज होगा। देख रहा है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है। जी
अब मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, कॉपी करके कहीं भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं इजीली। पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉपी और पेस्ट क्या होता है, जैसा आपने कॉपी किया है उसी तरह से सेम वो पेस्ट करेगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल हमारे पास एक ऑप्शन होता है। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि आपको एक अलाउ करता है कि जहां से आपने कॉपी किया है ना सर, जहां से आपने कॉपी किया है उस पार्ट में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है, राइट उस पर्टिकुलर पार्ट को ही पेस्ट करना है। तो यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ऑल है, मतलब जैसा कॉपी पेस्ट हुआ वैसा ही चाहिए, या फिर मैं यहां पे पेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे सिर्फ फॉर्मूला सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा। देख रहे हैं यहां पे फॉर्मूला पे वैल्यू चेंज हो रही है, जिससे मतलब है कि इसमें वैल्यू चेंज हो रही है ना सर, इसका मतलब है कि ये है मतलब ये अपना काम कर रहा है। तो पेस्ट है, जब हम फॉर्मूला करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं सर नेम क्यों आया, सिटी क्यों आया, तो अगर मान लीजिए कि अगर डेटा में अगर फॉर्मूला नहीं है फिर भी पेस्ट करेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर जो फॉर्मूला बार जो आपको दिख रहा है उसके अंदर डेटा विजुअल होता है तो उसको पेस्ट करता है, ठीक है। ठीक है जी सर। अब इसमें आ रही है बात, ही बारी आती है कि मुझे इसकी अब इसमें इसकी वैल्यू मैंने फॉर्मूला नहीं चाहिए क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला रिमूव होके पेस्ट हो, फॉर्मूला रिमूव ओके पेस्ट हो, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास ऑप्शन होता है वैल्यू का, तो हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वैल्यू जो बाहर विजुअल है ना वो पेस्ट होगा। आप देखिए इसके अंदर किसी तरह का फॉर्मूला नहीं, नहीं है फॉर्मूला, तो कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट करोगे तो इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है ना सर, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूला रिमूव करना, क्योंकि कॉपी करके मैं कहीं और तो मैं फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जहां मेरा फॉर्मूला है हम उसी जगह का फॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे जस्ट उसी के ऊपर, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, चलिए इसका यूज हम समझाते हैं। इसके लिए मुझे एक रिपोर्ट एक डेट खोलना होगा, आपके सामने दिख रहा है कि मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा के ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है जिससे मुझे यहां पे एक समरी बन के तैयार हो रही है, ठीक है, एक समरी बन के तैयार हो रही है। अभी जो बना हुआ है इसमें देखिए एक फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि मेरे डेटा शीट से कनेक्टेड। अब मुझे फाइल समरी वाली फाइल मान लीजिए मुझे शिवम जी को भेजना है, तो यहां हम क्या करेंगे, मूव एंड कॉपी, हम सीट नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी करेंगे।
मूव एंड कॉपी करते समय यहाँ देखिए हम क्रिएट कॉपी पे क्रिएट करेंगे और हम न्यू बुक में ओके करते हैं तो एक नई फाइल में आपके सामने दिख गई। ठीक है सर, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसमें इसका डेटा नहीं लिया क्योंकि मैं पूरी फाइल आपको नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल है या फिर डेटा बहुत लार्ज है जो कि मेल पे जाएगा नहीं, इसलिए आपका काम आपके रिपोर्ट से है, इसलिए हमने समरी शीट को एक नई फाइल में कॉपी कर लिया। नई फाइल में कैसे कॉपी किया आप समझ गए, शीट के ऊपर राइट क्लिक किया और मूव एंड कॉपी कर दिया एक नई फाइल में। बट यहां भी नई फाइल में आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला कनेक्टेड है मेरे समीप वाले फाइल से। अब प्रॉब्लम है कि मेरे सिस्टम पे समीप वाली फाइल है तो वर्क कर जाएगी, आपके सिस्टम पे फाइल मिलेगी नहीं तो आपके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, तो मुझे जरूरत है कि सारे फॉर्मूले को रिमूव करूं, सारे फॉर्मूले को रिमूव करूं, लेकिन कैसे रिमूव करूं तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कई सारे जगहों पे फॉर्मूला लगा हुआ, तो आपको एक एक करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी एरिया में कॉपी करें, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे वैल्यू के ऊपर क्लिक करें एंड ओके करें। ठीक है, ऐसा करते ही देखिए सबका फॉर्मूला रिमूव हो गया और आप इसको आसानी से भेज सकते हैं। तो पेस्ट एज ए वैल्यू जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हम रिपोर्ट को डायनेमिक करते हैं, ऑटोमेट करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करते हैं किसी और लोकेशन पे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, यहां पे हमने फॉर्मूला और वैल्यू को समझ लिया। फॉर्मेट आता है जो कि सिर्फ फॉर्मेटिंग शो करता है, डेटा आपका शो नहीं करेगा। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, देखिए अमाउंट है तो आप कुछ बताना चाहते हैं कि ये फाइनल अमाउंट है या किस तरह का अमाउंट है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हिडन हो, यूजर जब कर्सर इस पे ले जाए तो उसको शो करे। तो इस पे राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट न्यू कमेंट दिख रहा है, इस पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कमेंट दे सकते हैं कि दिस इज अ फाइनल अमाउंट और हमने क्लिक कर दिया। अब ये आ गया, दिस इज द फाइनल अमाउंट, एक कमेंट हो गया। अब ये कमेंट हमेशा नहीं दिखेगा, जब मेरा माउस पॉइंटर इस सेल के पास जाएगा तो एक कमेंट दिखेगा। अब मुझे क्या है कि इसी को कॉपी करके बाकी एरिया पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है यहां पे कमेंट्स एंड नोट्स। हमें क्या करना है, कमेंट्स एंड नोट्स एंड ओके कीजिए। आप देखिए यहां पे सिर्फ कमेंट आया, बाकी डेटा नहीं आया। ठीक है सर जी, अब पेस्ट स्पेशल का पार्ट होता है। उसके बाद आता है नो बॉर्डर, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहां देखिए ऑल स्टैक्ड बॉर्डर मतलब कि नो बॉर्डर, तो ये आपका सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। अब आता है कॉलम ब्रेथ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कॉलम की साइज को छोटा कर देते हैं, मतलब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाता है, जितना साइज चाहिए उतना आ जाता है। तो कभी कभी आपने अपने रिपोर्ट को एक पेज पे दिखे इसके लिए हम बड़ा कॉलम को बड़ा या छोटा कर देते हैं, तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम करते हैं कॉलम विड्थ। लेकिन कॉलम विड्थ से कॉलम का विड्थ आता है, डेटा नहीं आता है, डेटा के लिए आपको वापस पेस्ट करना होगा। तो वापस मैंने इसे पेस्ट किया तो मेरा डेटा यहां पे शो हो गया। ठीक है, या फिर राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल के अंदर जो आइकन्स होते हैं ना, इन आइकन का इस्तेमाल कर सकते। कोई डाउट आप लोगों को सर?
अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि अगर मेरे डेटा में हुआ डेट तब क्या होगा। अब डेट में मैंने यहां पे क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ डेट लिख देता हूँ, और जब डेट को डेट पर जो फॉर्मेटिंग वगैरह लगा हो, जब इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट स्पेशल में अगर आप वैल्यू करते हो ताकि फॉर्मूला वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह रिमूव हो जाए, तो आपका डेट कुछ इस तरह के नंबर में चला आता है। आपको समझना है कि ये नंबर आया क्यों, तो बाद में समझाएंगे, आखिर नंबर है क्या पहले समझिए। देखिए जैसे आज का डेट मुझे रखना है, तो आपका कंप्यूटर का डेट जो तरीका होता है, डेट फॉर्मेट होता है, जैसे मेरा फॉर्मेट है DBMMYY, तो डेट मंथ ईयर, तो मैं पहले डेट डालूंगा, देन मंथ डालूंगा, एंड देन ईयर डालूंगा। तो मैं इस तरह से इसमें टाइप तो कर दिया, लेकिन इसके बैकएंड में जो टाइप हुआ वो कुछ इस तरह से टाइप हुआ 44572। 44572 आया कैसे, मैंने फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जनरल कर दिया। इसके लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया Ctrl Shift 1, Ctrl Shift 1। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर है क्या, बेसिकली ये नंबर ऑफ डेज होता है। कंप्यूटर के अंदर में जब भी कोई डेट डलती है तो नंबर ऑफ डेज जो होता है वो डलती है, वो स्टोर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाला, तो इसके ऊपर अगर मैं डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 1/1/1900, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर कैलेंडर है वो 1 जैन 1900 को शुरू हुआ था, 1/1/1900 को शुरू हुआ था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 36 दिन डालता हूँ, तो देखिए महीना चेंज हो गया कि 5 फरवरी 1900। अगर मैं इसी में 367 दिन डालता हूँ तो 1/1/1901 आ गया। उसी तरह से मैं यहाँ पे 1245/72 करता हूँ तो आज का डेट दिख जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा झमेला किया क्यों। तो ऐसा झमेला करने के पीछे प्रोग्रामर का रीजन ये था, कैलकुलेशन। क्योंकि तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ Jan 2020, तो इसमें हम इजीली कोई भी डेट इंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी नंबर के साथ टेक्स्ट लिख दे उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट ऊपर तो कर रहे हैं क्योंकि ये दिखता है टेक्स्ट में, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर है। आप जब इसको जनरल फॉर्मेट में करेंगे, सारे फॉर्मेट रिमूव कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि 43831 आपको यहाँ दिख रहा है। ओके जी, सुना गया आपको जी? डाउट इसमें नहीं? नहीं। तो जब हम कॉपी करते हैं यहाँ, इसको कॉपी करके जब इसको हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, और पेस्ट स्पेशल में जब हम वैल्यू करते हैं, तो वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट। तो हर तरह की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में यहाँ वैल्यू इज नंबर फॉर्मेट एंड फॉर्मूला इज नंबर फॉर्मेट। तो वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करके जब मैं ओके किया, तो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, ये तो आ गया। तो डाउट इसमें सर? नहीं नहीं सर। तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारी पेस्ट स्पेशल की आज की क्लास। मुझे लग रहा है कि आज के लिए आपके लिए काफी है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो बेटर रहेगा। क्या बोले शुभम जी? जी जी, इसकी अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम कल की क्लास में आपके साथ बताएंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल। एक दिन आपकी बेसिक टॉपिक होगी, उसके अगले दिन हम बात करेंगे एडवांस के ऊपर। आज जो मैंने चीजें बताई वो बेसिक थी, और कल जो मैं बताऊंगा वो एडवांस होगी जी।